सादर प्रणाम सभी को। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और आज के वीडियो में हम भूगोल की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ते हुए वीडियो लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हरित क्रांति की, इस बार के वीडियो में हम कृषि क्षेत्र से संबंधित विभिन्न क्रांतियों के विषय में जानेंगे। हम बात करेंगे काली क्रांति, नीली क्रांति, सफेद क्रांति, भूरी क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति, स्वर्ण क्रांति, ग्रे क्रांति, गुलाबी क्रांति, लाल, गोल्ड, सिल्वर फाइबर क्रांति और रजत क्रांति और पीली क्रांति के विषय में। हम ये जानेंगे कि ये क्रांतियाँ किससे संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काली क्रांति की। काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन से, यानी कि उनके उत्पादन को बढ़ाने से संबंध है। और इसके अंतर्गत कोयला उत्पादन को भी शामिल किया गया है, यानी कि कोयला उत्पादन को भी काली क्रांति के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत पेट्रोल में इथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे नंबर पर आती है नीली क्रांति। नीली क्रांति के जनक है अरुण कृष्णन। इसका संबंध है मत्स्य उत्पादन से और मत्स्य उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है इस नीली क्रांति के माध्यम से। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। दूसरी बात हम करते हैं श्वेत क्रांति की। श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। 2014 के पीसीएस की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक हैं और दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ये क्रांति। और इस क्रांति की शुरुआत 1964-65 में हुई थी और श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन फ्लड कब स्टार्ट हुआ था, तो 1964-65 में स्टार्ट हुआ था। किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, एक्चुअल वो ध्यान नहीं आ रहा किस परीक्षा में है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिसेंटली पूछा गया है, अभी जो परीक्षाएं हुई हैं। अब बात करते हैं पीली क्रांति की। पीली क्रांति का संबंध है खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन से। भारत तिलहन उत्पादन में इस क्रांति के माध्यम से आत्मनिर्भर बन गया है, नहीं तो पहले अपने खाद्य तेलों की आपूर्ति के लिए हमें बाहर विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब बात करते हैं गुलाबी क्रांति की। गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से। प्याज और झींगा मछली का उत्पादन रंग के आधार पर, इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। प्रत्येक क्रांति को उनके रंगों के आधार पर हम आसानी से ध्यान रख सकते हैं। जैसे सफेद क्रांति हमने पढ़ा तो दूध से संबंधित, दूध सफेद होता है। नीली क्रांति हमने पढ़ा, नीला मतलब सागर नीला होता है, पानी नीला होता है, यानी कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित। काली क्रांति पेट्रोलियम से या कोयले से संबंधित, ये काले होते हैं तो इसलिए रंगों के आधार पर इन्हें आसानी से याद रखा जा सकता है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से। भारत विश्व में झींगा मछली उत्पादन में सबसे बड़ा देश है, यानी कि पहले नंबर का देश है जो सबसे अधिक झींगा मछली का उत्पादन करता है भारत। बात करते हैं अब ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति उर्वरकों से संबंधित है। और बात है अब सिल्वर क्रांति, ये जिसे रजत क्रांति भी कहा जाता है, इसका श्रेय जाता है इंदिरा गांधी को। और सिल्वर क्रांति या रजत क्रांति संबंधित है अंडे उत्पादन से या मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने से इसका संबंध है। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर फिर से। तो आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य है। बात करेंगे अब सुनहरी क्रांति की। सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी से, विशेषकर सेब उत्पादन से ये संबंधित है। और इसी क्रांति के अंतर्गत शहद उत्पादन को भी जोड़ा गया है। अब भारत फल और सब्जी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है, यानी कि विश्व में दूसरे नंबर का देश है जो सबसे ज्यादा फल और सब्जी का उत्पादन करता है भारत। अब बात करते हैं सदाबहार क्रांति की। सदाबहार क्रांति हम अभी अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, हरित क्रांति के साथ हमने सदाबहार क्रांति को भी पढ़ा है। तो इसका उद्देश्य क्या है, मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलवाना और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करना। बात करते हैं अब इंद्रधनुषी क्रांति की। इंद्रधनुषी का मतलब यानी कि सभी रंग होते हैं, सात रंग होते हैं उसमें,
तो इंद्रधनुषी क्रांति को रंगों के आधार पर ही याद रखा जा सकता है कि इसमें सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया है, इसीलिए इसे कहा गया है इंद्रधनुषी क्रांति। इसे जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया था और इसीलिए इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है। प्रश्न एक और पूछा जाता है, जो नई कृषि नीति है वो कब प्रारंभ किया गया था, तो 1999 और 2000 उसकी अवधि है। बात करते हैं गोल क्रांति की। गोल क्रांति यानी कि आलू उत्पादन से संबंधित है। विश्व में चीन सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है और भारत का नंबर चीन के बाद आता है, यानी कि भारत दूसरे नंबर का आलू उत्पादक देश है। अगर भारत के राज्यों में हम बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। अब बात करते हैं लाल क्रांति की। लाल क्रांति के जो जनक हैं वो विशाल तिवारी हैं और लाल क्रांति का संबंध है मांस से और टमाटर से। आगे बात करते हैं बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। इसी में एक और गोल्डन फाइबर क्रांति है। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध है जूट से। तो ये कुछ क्रांतियां हैं जो क्रांति कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। इनमें से किसी ना किसी से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्रांतियों के संदर्भ में। फिर रिपीट करेंगे कि हम हरित क्रांति पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक वीडियो है हरित क्रांति पे जिसमें उसके विभिन्न चरण और सदाबहार क्रांति इनको ऐड किया गया है, तो आप हरित क्रांति के लिए वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे दिए गए हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।